थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं दो जबरदस्त न्यूज के बारे में डिस्कशन करूंगा। सो दोस्तों वीडियो को एंड तक देख कंप्लीट देखे, आपको इसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस करके फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो खबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ट्राई की तरफ से, जो भी अनलिमिटेड प्लान है उसमें कॉलिंग फ्री होता है, डेटा फ्री होता है, लेकिन जो SMS होता है वो 100 SMS पर डे का कैपिंग होता है। उससे ज्यादा अगर हम सेंड करते तो उसमें 50 पैसा पर SMS के हिसाब से चार्ज करता है, जो कि 2017 में ट्राई ने ये चीज लागू किया था। लेकिन वो जो नियम था ना, उस नियम का जो है ट्राई ने आज जो अनाउंसमेंट किया उसके हिसाब से उसको खत्म कर दिया गया। सो अभी से क्या होगा, अभी अगर आप दिन में 100 के ऊपर भी SMS भेजते हो तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सो ये था एक बहुत अच्छा गुड न्यूज। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। अगला जो न्यूज निकल के आ रहा है वो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट में एक वीडियो भी बनाया था कि एक व्यक्ति ने जो है याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कि EMI मॉनिटरिंग में लगने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको माफ करने के लिए, तो उसके ऊपर आज जो है सुनवाई हुआ है। और उस सुनवाई के दौरान जो है RBI की तरफ से एक दलील दिया गया कि जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट माफ ना करने के लिए दलील दिया गया। दलील में ये बोला गया, RBI ने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर EMI मॉनिटोरियम में लगने वाला इंटरेस्ट अगर माफ कर दिया जाए तो लगभग लगभग 2 लाख करोड़ की जरूरत होगा। ये 2 लाख करोड़ अगर बैंक माफ कर देता है तो इसमें होगा क्या कि बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारा इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है टोटली क्रैश हो सकता है। तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट माफ नहीं कर सकते। तो उसके जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेफिनेटली आप जो बोल रहे सही है, लेकिन इंसान का हेल्थ के ऊपर इकोनॉमी नहीं हो सकता। सो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट कहना है कि इंसान का हेल्थ पहले उसके बाद में इकोनॉमी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया कि हमारा जो वित्त मंत्री है और वित्त मंत्रालय जो है उनको एक नोटिस भेजा है कि आप लोग डिस्कशन करें, आप लोग मीटिंग करें, आप लोग बताएं 1 हफ्ते के अंदर कि ये जो अमाउंट है ये इसको हम माफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो कैसे माफ किया जाए तो उसके ऊपर बताइए। और 12 तारीख को जो है फाइनल डेट दिया गया इसके ऊपर। सो 12 तारीख को 12 जून को जो इसके ऊपर फाइनल हियरिंग होगा कि ये जो ह्यूज जो अमाउंट है वो माफ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा सब्सक्राइब करके, आगे वाला टाइम पे क्या अपडेट आता है डेफिनेटली इस चैनल पे मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। सो दोस्तों तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।